असलम आज की वीडियो के साथ मैं कौशल शबास कौशल और आज बात होगी अताउल्लाह खान ईसा खैलवी जो कि एक लेजेंड फनकार है हमारे मुल्क के। और कौन है जो उनको नहीं जानता, सराय की मौसीकी हो, पंजाब की तो उर्दू गजलें हो, उर्दू के गाने हो, हर शख्स उनको जानता है। और उन्होंने बहुत सारे फन शायरों और फनकारों के साथ काम किया। सोना खान बेवास जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके भी बहुत सारे गाने गाए और बहुत बड़े शौरा को गाया, उर्दू के, सरेकी के, पंजाबी के। तो सबसे पहले उन्होंने जो गाना पेश किया वो था PTV पे तारिक अज़ीज़ के शो में, और वहाँ उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उन्होंने फिल्मों में काम भी किया। और उनके साथ जो ज़्यादती हो रही है, रईस साहब के साथ उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और लेकिन फ़िल्म की दुनिया मुख्तलिफ थी, वो उसमें ज़्यादा देर चल ना सके। उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं फिल्म के मुताबिक बना ही नहीं था, मैं सिर्फ गाने के लिए बना था। लेकिन जब उनको फिल्म में लिया गया तो वो फिल्म की रोशनी से अलग थलग अपनी एक पहचान रखते हैं, अपनी एक शख्सियत है उनकी, वो बैठ कर गाते हैं, लेकिन फिल्मों में वो गाना उछल कूद वो नहीं कर सकते थे। उनके साथ ज़्यादती ये हुई कि एक तो एक फिल्म में उनको लिया गया, एक दो तीन फिल्में उन्होंने की, उनको लिया गया, और जब फिल्में मुकम्मल हो चुकी, ये उम्रे पे चले गए, तो पीछे से जो हिदायतकार साहब थे उन्होंने किसी दूसरे शख्स की आवाज़ में डबिंग कर दी। जब फिल्म देखें तो अताउल्लाह की आवाज़ भी नहीं लगती। उन्होंने कहा मैंने बस फिल्म को छोड़ दिया। फिर ये हुआ कि सोशल मीडिया का दौर आ गया, और इस दौर में उनके साथ क्या हो रहा है। जी, आरिफ लोहार साहब की आपने परफॉर्मेंस देखी, तो ये भी उनके साथ काम कर चुके हैं। तो उनके साथ ज़्यादती क्या हो कि सोशल मीडिया के इस दौर में सातवीं बार कहा जा रहा है कि अताउल्लाह खान ईसा खैलवी फौत हो गए, तो हर बार वो उनकी तरदीद करते हैं, कहते हैं कि मैं ज़िंदा हूँ, कभी हंसकर, कभी दुखी दिल के साथ। फिर बहुत सारे उनको चाहने वाले बता देते हैं कि खान साहब यहाँ हैं, वहाँ हैं, उनसे मुलाकातें करके उनकी पोस्टें लगा देते हैं। बहुत ज़्यादती हो रही है। पहली बार फिल्म में उनके साथ ज़्यादती हुई, उन्होंने कहा अब जो उनके साथ हो रही, हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े हिंदुस्तान में ऐसे फनकारों की जो इज़्ज़त है वो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान की आवाम का पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसका एक अपना जहन है और ये मनफी सोचते हैं। सारे नहीं, सारों को नहीं कह रहा, लेकिन हमारी कौम को कुछ हो गया है। चंद लोग ऐसे हैं जो अपने लेजेंड को भूल गए। हमें अपने लेजेंड का एहतराम करना चाहिए, ये बहुत बड़े लोग हैं, ये एक बार आए फिर नहीं आएंगे। अब कुछ चेहरे चले गए हैं लेकिन हम उनको वापस नहीं ला सकते, उन जैसा कोई नहीं। लेकिन अताउल्लाह खान के साथ उन्होंने बताया बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है, कभी सोशल मीडिया पे, कभी फिल्म के हवाले से। उनसे लोगों को मोहब्बत करनी चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, जल्दी अल्लाह हाफिज़।